हे गाइस, दिस इज विष्णु एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो गाइस, हमने टिकट ले लिया है, 20 रुपए ओनली टिकट है यहाँ पर, और हमको शेयरिंग में वाली इको वैन मिल गई है, उसमें चलेंगे हम लोग। तो हम चल रहे हैं भैया के साथ, इन्होंने शेयरिंग में हमें बैठा लिया, थैंक यू भैया। आओ गाइस। हाँ, तो ये है टैक्सी वैन जिन्होंने शेयरिंग करा दी है, राजस्थान की है, बढ़िया लोग हैं इन्होंने, हमने 20 रुपए में काम हो गया, इसमें बैठ के चलते हैं। तो भाई गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी चेक होने लगी, हम आइए चेक करने के लिए, पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं लोग। और कुछ भाई इधर बैठे तुमसे ना हो पाएगा। सिक्योरिटी चेक हो गया भाई, और सिक्योरिटी चेक के बाद अपनी गाड़ी होगी स्टार्ट, चल रहे हैं फटाफट से। तो भाई हो गई अपनी जंगल सवारी स्टार्ट। हाँ, ये आगे चल रहे हैं भैया, बड़े कॉर्पोरेटिव इंसान है। कंट्रोल कंट्रोल, मजा आ रहा है पंकज भाई, सही मिल गया ना हिसाब किताब। तो गाइस आगे रोड बन रहा है, गाड़ी रुक गई अपनी, रोड बन रहा है अभी। तो ये रोड बन रही थी, इस वजह से थोड़ा सा रुके, अब चल। तो ये पड़ा है रास्ते में पहला गेट सा कुछ, तो देखो हमें रास्ते में क्या मिला। हेलो, रोज है जो भी है। तो गाइस अपन आ चुके हैं बाला किला चेक पोस्ट पे, और ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं टॉप पे, यहाँ से व्यू देखो कैसा आ रहा है। और इस इको में हम आए थे, पंकज भाई उतर आओ, क्या लोगे उतरने का। सो फाइनली वी रीच्ड ऑन टॉप, ऑलमोस्ट टॉप, अभी टॉप पे नहीं पहुंचे। तो ये है पीछे बाला किला चेक पोस्ट, और यहाँ आए हम टॉप पे। तो देखो गाइस कितने ऊपर पहुंच गए हम टॉप पे, नीचे दिख रही होगी आपको अलवर सिटी पूरी, ये देखो ये नीचे पूरी अलवर सिटी है। तो भाई वेदर खराब होने की वजह से और कुछ कंडीशंस की वजह से ऊपर वाला जो बाला किला फोर्ट है वो बंद है, और यहीं तक अपनी स्कूटी जाएगी, स्कूटी बोल रहा हूँ अपनी। अरे कहना क्या चाहते हो। तो भाई ये है बाला किला फोर्ट, आपको मैं दिखा देता हूँ पीछे, ये यहाँ पे लिखा है नो एंट्री वर्क इन प्रोग्रेस। तो इस काम की वजह से यहाँ पर ही बाला किला फोर्ट को बंद कर रखा है, इस वजह से हम आगे नहीं जा सकते। बाकी आप व्यू एंजॉय कीजिए मेरे साथ, आइए चलते हैं फटाफट से, आ जाओ। तो आप सडन सोच रहे होंगे कि मेरी टी शर्ट कैसे चेंज हो गई, बिकॉज मैंने चेंज कर दी इसलिए चेंज हो गई। तो मैं एक्स्ट्रा लाया हुआ था इस बारिश की वजह से, बट बारिश तो है नहीं तो रखी हुई है, तो क्यों ना उसको यूज कर लिया जाए। तो टी शर्ट को चेंज कर दिया, फोटो वगैरह लेंगे तो चेंज हो जाएगी उसमें, और अपने पीछे बारा सिंह अपने पीछे बहुत सारे हैं, देखो जो भी है, गाय है, नील गाय है, बारा सिंह है, जो भी है, डर के मारे भगा वो। और ये पीछे अल्टीमेट व्यू है, नीचे सारी अलवर वैली है, और वो है पंकज, इधर आओ हमसे थोड़ी बात करते हैं, इधर आओ। तो मजा आ गया तुम्हें भाई? मजा आ गया, मजा आ गया। सही थी ना लोकेशन आज की? बढ़िया थी, बस फोर्ट नहीं खुला है, फोर्ट नहीं खुला, फोर्ट खुला होता तो मजा आता। मजा आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ इससे पूछो, अभी तो डरा दिया। हेलो, हेलो, भागेगा वो, दिल्ली की नहीं है, दिल्ली की। तो भाई दिल्ली की मजा किरकर हो गया थोड़ा सा, बस ये किला खुला होता ना, जो ऊपर जाके जो व्यू आता है, जो लोकेशन दिखती है भाई साहब, सारी वैली दिखती है, एक्चुअली दिख तो यहाँ से भी रही है ये देखो, बट वो वाला मजा नहीं आ रहा जो ऊपर से आता है। तो उसके लिए सॉरी, बस अपनी कंडीशन ऐसी होती है कि अपने साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये किला बंद मिला, बट देखेंगे फिर कभी, नेक्स्ट टाइम पास में ही है, वीकेंड गेटअवे के लिए, दिल्ली वालों समझ जाओ, वीकेंड गेटअवे के लिए 2-2.5 घंटे का रास्ता है केवल, आराम से आप इस लोकेशन पे आ सकते हो एंजॉय करने के लिए, और ये सब लोग आपका वेलकम करेंगे। हेलो। पता नहीं क्या ही सोच रहे हो।
करणी माता का मंदिर है, जैसे कि बोर्ड पे लिखा है बाला किला अलवर करणी माता का मंदिर, और नीचे चल के आपको दिखाते हैं कैसा है। तो यह है रास्ता जो नीचे जा रहा है मंदिर के लिए, बहुत नीचे इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। टाइम की कमी है। 5 बजने वाले हैं, फोर्ट बंद हो जाएगा तो नीचे पहुंचना, इसलिए नीचे नहीं जा रहे। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो हाय, होप सो गाइस आपको मजा आ रहा होगा इस वीडियो में। तो पीछे आपको एक और बार एक लास्ट बार व्यू दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं अपन नीचे पार्किंग में जहाँ पर अपनी इमोशन खड़ी है। तो यह है नीचे व्यू, और सांस फूल गया यार। वो नीचे वहाँ पे मंदिर है, वो भी बंद है, पता नहीं क्यों आज सारी चीज़ें बंद कर रखी हैं मौसम की वजह से, और ये जानवर वानवर आ जाते हैं, यहाँ जंगल है पूरा एरिया, तो इस वजह से कर रखा है। तो अपन केवल घूम सकते हैं जो घूम लिए, अब बाकी नीचे चलते हैं पार्किंग में, अपनी एरोक्स खड़ी है उसको भी देख लेते हैं चल के। 5 बजे ये फोर्ट बंद हो जाता है, तो 5 भी बजने वाले हैं, इस वजह से अब नीचे चल के बात करते हैं आपसे। बालाकोट फोर्ट तो खुला नहीं था, तो भाई ने हमारी बहुत मदद करी अपनी गाड़ी में लेके, तो थैंक यू सो मच भाई, भाई ने मदद कर दी इसके लिए, नहीं तो हम जा भी नहीं पाते क्योंकि टू व्हीलर तो वहाँ अलाउड नहीं था, भाई की गाड़ी थी, भाई बैठा के ले गए। थैंक यू भाई, थैंक यू। अब भाई आ रहा है, भाई को भी बाय कर दो। भाई का नाम नहीं बताया भाई ने अपना, सब्सक्राइब करना भैया। भाई का नाम शुभनाम अनिल भाई साहब। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू भाई। भाई इन लोगों से कर दिया बाय, अब चलते हैं कुछ खाते हैं चल के। नेविगेशन भी दिख रहा है 3 घंटे 21 मिनट, 8:30 तक पहुंच जाएंगे अपने घर दिल्ली, और यहां से निकलते हैं। खाली हल्का फुल्का सा जूस पिया है, रास्ते में कुछ मिला तो खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ठीक सा मिला तो खाऊंगा, नहीं तो सीधा घर चल के ही खाएंगे। जूस वगैरह मैंने पी लिया, घर से लाया था जो सेब वगैरह खाने के लिए, घर से ही लाए थे बांध के, सैंडविच बना के लाया था मैं, अपने 2 मील लाया था वही खा ली, इतनी भूख नहीं है, बाकी ठीक ठाक मिलता तो खाएंगे, नहीं तो सीधा घर चल के खाएंगे। तो भाई आते टाइम भी बारिश, जाते टाइम भी बारिश मिल गई, हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है, उससे पहले हम रुक गए सारे गियर वगैरह अपने पानी वानी से बचाने के लिए, पन्नी वन्नी, और सारे रेनकोट लगा लेते हैं बैग वगैरह पे, फिर निकलेंगे यहाँ से फटाफट से। और ये खड़ी अपनी एरोक्स, वो खड़ा पंकज, सब सेटअप करके तब निकलते हैं हम यहाँ से। तो भाई यहाँ रुक के, बारिश की वजह से रुके तो यहाँ भी रुक के खाना भी खा लिया, टाइम हो गया 6 बज रहे हैं, बारिश फ़िलहाल बंद है, जितनी जल्दी हो सकता है अब निकल लेंगे, मतलब रुकना नहीं है, जल्दी मींस रश ड्राइविंग नहीं करनी, बस ये है कि अब नॉन स्टॉप चलना है, ज़्यादा नहीं है, 130 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया, अब खाने की टकान आने से पहले घर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, चलो तो गाइज यहां से आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बारिश ने नाक में दम कर दिया था, राइड करने में काफी दिक्कत शुरू हो गई थी, और पंकज ने यहां पर पॉलिथीन लगाकर मोबाइल को तो जैसे तैसे कवर किया, लेकिन मैं आगे का कुछ भी शूट नहीं कर सका क्योंकि बारिश काफी तेज हो गई थी। फिर इसके बाद राइड हो गई अपनी कन्वर्ट एक बहुत बुरे डिजास्टर में, इतनी बारिश नॉन स्टॉप बारिश होती गई, कहीं भी बारिश रुकी नहीं है, दिल्ली आते आते जब हमने गुड़गांव क्रॉस कर दिया तब जाके बारिश रुकी है, और रोड पे देख लो क्या हालत हो गई थी, पानी इतना भर गया था, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जैसे तैसे करके हम निकले हैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से।
ये बारिश जाकर खत्म हुई थी जब हमने दिल्ली में एंटर कर लिया था उसके बाद, लेकिन बहुत बुरी हालत हो गई थी। कई जगह ऐसा भी आया था कि रास्ते में गड्ढे आए और हम गिरते गिरते बचे। तो ये सब इतना बुरा हो गया था रास्ते में कि क्या ही बताऊं मैं आपको। तो रात को आ गए थे घर, इतनी गंदी वाली हालत हो गई थी कि वीडियो को एंड करने का भी मन नहीं कर रहा। तो अब जाके मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। इतनी बुरी हालत हो गई थी, इतनी बारिश पूछो मत। साइलेंसर के ऊपर तक रोड पे पानी मिला है, फिर पीछे इतना गंदा रोड और उसके ऊपर भरा हुआ पानी, चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गिरते गिरते बच रहे थे, बहुत बुरी वाली हालत हो गई थी। कैमरा वैमरा मैंने निकाल के सारा बैग में रख दिया था बारिश में भीगने की वजह से, और शूट तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। सीधा घर आया, कपड़े वपड़े उतारे और खाना भी नहीं खाया, खाना रास्ते में खाया था, ऐसे ही सो गया। अब उठ के सुबह अब वीडियो का एंड कर रहा हूँ मैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और थोड़ी सी कमी रह गई, बाला किला फोर्ट खुला हुआ नहीं मिला, अगर खुला मिलता तो और आपको दिखाते। शायद बारिश की वजह से वहाँ पर भी सब कुछ बंद कर रखा था, और जानवर वगैरह बता रहे थे कि ऊपर आ रखे हैं बाहर रोड पे, तो इसलिए वो अलाउड नहीं था वहाँ पर, उस टाइम बंद कर रखा था। बट कोई नहीं, देखेंगे नेक्स्ट टाइम चलेंगे फिर दोबारा से। अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है, और काफ़ी सारी जगह है वहाँ पर, सिलेसर लेक वगैरह है, वो भी जाके एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट टाइम। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।